नमस्कार दोस्तों, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बनाया है और ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल के बाद आप NDA, IM में या OTA में जाते हैं और वहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड से कोप अप नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही दिनों में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं जिसमें से कि बहुत से कैंडिडेट्स NDA, IM और OTA से फिजिकली बोर्ड आउट कर दिए गए हैं। और एक इंस्टेंस में IMA में एक कैंडिडेट की फिजिकल एग्जर्शन के कारण डेथ भी हो चुकी है। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि जब आप डिफेंस फोर्सेस के लिए किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप में आप जाते हैं। वो आपका कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट आपकी हैबिट्स होती हैं। चेंज एक बहुत बड़ा होता है और इसलिए कई बार आप फिजिकली वहाँ पर कोप अप नहीं कर पाते हैं और ये एक वे ऑफ लाइफ होता है जो कि दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, वो अभी ही सिविल में रहते हुए ही अपने आप को उस लाइफस्टाइल में ढालना शुरू कर दें। अगर आप अपने आप को रेगुलरली फिट रखेंगे तो उससे आपको SSV में, इंटरव्यू में जब आप अपने वहाँ फिजिकल टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मेडिकल में कुछ बीमारियाँ जैसे फ्लैट फुट, लॉक नीड्स, हार्ट मर्मर, हर्निया, इस टाइप की बीमारियाँ जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। यूँ तो जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग तथा आपको फिजिकल फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी टेस्ट होते हैं और उन्हें पास करने के बाद ही आप एकेडमी से पास आउट हो सकते हैं। आइए सबसे पहले इन टेस्ट को देखते हैं। ये सामने दिए हुए टेस्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए हैं और सिमिलर टाइप के टेस्ट बाकी एकेडमीज में भी होते हैं, जिसमें कि 2.4 किलोमीटर रन जो कि आपको 10 से 11 मिनट के बीच में करनी होती है, टो टच 6 से 4, चिनअप्स 6 से 4, 5 मीटर शटल, सिटअप्स, 100 मीटर स्प्रिंट, रोप जो कि थर्ड क्लास होती है, डाइव रोल और बैक रोल। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि मैंडेटरी टेस्ट हैं, जिन्हें क्लियर करने के बाद ही आप एकेडमी से पास आउट होंगे। आइए इन टेस्ट को एक एक करके धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, रनिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि रनिंग करने में बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। थोड़ी सी रनिंग के बाद ही वो फेल हो जाते हैं तथा ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना है कि ठीक से रनिंग कैसे करी जाए, किस तरह से स्टेमिना बनाया जाए ताकि आप एकेडमी के टेस्ट पास कर सकें। इसके लिए आपको सिस्टमेटिकली अपना स्टेमिना बिल्डअप करना होता है। आप एक दिन में ही अपने आप को एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि मैं एक दिन में ही 10 किलोमीटर भाग लूँगा और टाइमिंग में आगे आ जाऊँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे IMA कैंडिडेट्स के साथ हुआ था, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा से शुरू करें, एक शॉर्ट डिस्टेंस से शुरू करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी ढलती जाएगी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं और आप अपना टाइम कम करते जाएं। दोस्तों, एक और ज़रूरी चीज़ है जो कि प्रैक्टिस डेली या अल्टरनेट डेज पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में एक बार रनिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे और सोचेंगे कि आपका स्टैमिना बन जाएगा तो बहुत गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। आपको डेली या अल्टरनेट डेज में प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी चीज़ जो हम सिविल लाइफ में नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि रनिंग से पहले और रनिंग के बाद की एक्सरसाइज दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी होती है। रनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि रनिंग के बाद की एक्सरसाइज, जिसे कि हम कूलिंग ऑफ कहते हैं। तो इसलिए आपको तरीके से अपनी बॉडी को कूलिंग ऑफ करना चाहिए। अच्छे से एक्सरसाइज जो कि बताए तरीके हैं उसी के साथ ही आप करेंगे तभी आपकी रनिंग ठीक होगी। इसके अलावा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ रखने की ध्यान है वो है आपके रनिंग शूज़। आप किसी भी शूज़ में नहीं भाग सकते हैं, आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, नीचे जो है कुशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। और इसके साथ साथ में आपकी डाइट भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं तो उतना ही आपको बॉडी को डाइट भी देना ज़रूरी है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि नट्स और इस तरह के कैलरी फूड जो है, मूंगफली, इस टाइप की आपको लेना जो है
बहुत जरूरी है, तभी आपकी रनिंग ठीक होगी। दोस्तों दूसरा टेस्ट है टो टच का, जिसमें कि अगर आप 6 करते हैं तो आप एक्सीलेंट में आते हैं और अगर आप 4 करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। टो टच के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बाजू दोनों तरफ से खुले होने चाहिए, आपकी बॉडी सीधी होती है, आप पेट से अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड करते हैं और पॉम के टोज को बार पर टच करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपकी स्टोमिक मसल्स और आपकी पेल्विक मसल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टो टच करने के लिए आपकी स्टोमिक्स और आर्म स्ट्रेंथ जो है बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है सिटअप्स करना जरूरी है। स्टोमिक मसल्स के लिए आप ये जो डायग्राम है उसे देखकर अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको सिटअप्स के लिए डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है एकेडमी में पहुँचते पहुँचते आप 500 से 1000 सिटअप भी एक दिन में करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टेस्ट है चिनअप्स, इसमें भी 6 एक्सीलेंट है और 4 पास है। चिनअप्स के लिए आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी होती है और बार पर सीधा ऊपर खींचना होता है ताकि आपकी गर्दन जो है बार को क्रॉस कर जाए। इसके लिए दोस्तों आपकी बाइसेप मसल्स की ताकत बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ आपके अगर मसल्स जो स्टोमेक के हैं वो भी अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर चिनअप्स में बहुत हेल्प करता है। बाइसेप्स मजबूत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। आप जिम में जाकर जो कि ये डायग्राम दिखाया गया है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर आप घर में ही कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि पुशअप्स, जिससे कि आपकी बाइसेप्स स्ट्रांग हो सकें। रोप क्लाइंबिंग, दोस्तों इसमें एक वर्टिकल रोप पर आपको 3 मीटर की हाइट जो है वो अपने फीट से क्रॉस करनी होती है, यानी कि जब आपके फीट 3 मीटर तक क्रॉस कर जाएंगे तो आपको पास माना जाता है। दोस्तों रोप क्लाइंबिंग के लिए स्ट्रेंथ से ज़्यादा टेक्निक की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें आपके आर्म मसल्स होना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपकी टेक्निक। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं इसमें आपको जो फीट होते हैं इससे रोप को लॉक करना होता है और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर पुल करना होता है। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करें, जब आप एकेडमी में जाएंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा। अभी से अगर आप अपनी मसल्स को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे तो वो ही काफ़ी है। दोस्तों पुशअप्स, हमारे टाइम में 30 पुशअप्स प्लैंक टाइप मिनिमम टेस्ट होता था, अभी ये टेस्ट नहीं है, लेकिन पुशअप्स ठीक से किए बगैर आप कोई भी टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुशअप्स के जो आपकी मसल्स बनती हैं स्टोमेक की, आपके फोर आर्म्स, आपकी जो बाइसेप्स बनती हैं, उससे जो है आपके हर टेस्ट में आपका फ़ायदा होता है। तो पुशअप्स करना बहुत ज़रूरी है, आप पुशअप करने की सही टेक्निक सीखें और कोशिश करें कि 30 प्लैंक टाइप पुशअप्स आप कर सकें। दोस्तों इसके अलावा अकेडमी में 3 और टाइप के टेस्ट होते हैं, डाइव रोल, बैक रोल और बैलेंस। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अकेडमी में ट्रेन इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपको इन्हें अच्छे से सिखा देंगे। अगर आपकी बॉडी फिजिकल फिट है तो आपको ये टेस्ट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट जो डेली एक्सरसाइजेस करनी है वो है रनिंग या साइकिलिंग। आप रेगुलर रनिंग करेंगे, रेगुलर साइकिलिंग करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, शेप में रहेगी, आपको वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बाकी एक्सरसाइजेस भी आप ठीक से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पुशअप डेली करना है। मेक श्योर करें कि आप 10 के साइकिल्स में पुशअप शुरू करें और जब तक आपकी बॉडी अच्छे से बिल्डअप हो जाए 30 या 50 पुशअप्स प्लैंक टाइप करने के आप काबिल हो जाएं। सेम वे सिटअप्स का भी आप 30 के सेट से शुरू करें, 30 के 3, 4, 5 सेटअप करें और जब तक आप अच्छे से इसे करना शुरू कर दें तो 100 के सेट तक आप पहुंच जाएं। इस तरह से आपकी बॉडी काफ़ी फिट हो जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है वो है डाइट का। आप जो सिविल में रहते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और ख़राब डाइट लेते हैं। आपको इंश्योर करना है कि आप हाई कैलोरिक डाइट लें जिसमें कि कम फैट हों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। आप लोग जो शहरों में रहते हैं आपका रूटीन कम्प्लीटली अपोजिट है जो कि आइडियल रूटीन होना चाहिए। आपको उठते ही एक अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अच्छा सा लंच होना चाहिए और डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि शहरों में लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है,
लंच कोई वेज कुछ नॉर्मल फास्ट फूड ले लेते हैं, और घर में जब रात को 10 बजे आते हैं तो डिनर जो है बहुत हैवी करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है और आपको ये रूटीन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और इससे अपोजिट रूटीन आपका होना चाहिए। जंक फूड जो है अच्छा नहीं होता है, जितना कम हो सके उसे अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों स्मोकिंग कभी भी किसी का भला नहीं करती है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा ड्रिंक्स, आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तब आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सोशल ड्रिंकिंग करने की, लेकिन जब तक आप अकेडमी में हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी ड्रिंकिंग ना करें। और तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टेम्पर कंट्रोल करें, अपना बिहेवियर कंट्रोल करें, ज़्यादा गुस्सा ना करें और खुश रहना सीखें। अगर आप ये सब करेंगे तो आप एक अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल राहगीर इंडिया में आपकी SSB से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सारे वीडियोस देखें। आपको किसी भी कोचिंग एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप ये वीडियोस देख के अपने आप को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को एक ऑफिसर लाइफ के लिए तैयार करते हैं, तो आप अवश्य ही SSB में और रिटर्न में क्लियर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, सी यू लेटर, थैंक यू।